मुंबई से यह खबर है। मुंबई की एक मॉडल ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मॉडल का सीधा इल्जाम अपने पति पर है कि पहले तो उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और बात न मानने पर मारपीट की। तो क्या है मॉडल के इन आरोपों के पीछे की सच्चाई और क्या मोहब्बत की आड़ में लव जिहाद का धंधा और ज्यादा फल फूल रहा है? तो लव जिहाद को लेकर जब देश की अदालतों में बहस हो रही है, तब मुंबई से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। अब एक मॉडल ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। रश्मि शाबस्कर नाम की ये मॉडल अपने पति पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला के मुताबिक 13 साल पहले उसकी शादी आसिफ शाबस्कर से हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो धर्म बदलने पर दबाव डालने लगा। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो आसिफ उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला का आरोप है कि उसके पति आसिफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन आसिफ ने जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो मॉडल का यह सनसनीखेज आरोप है और इसी के बाद एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तुम्हारी माँ मुस्लिम नहीं है इसलिए तुम वो शैतान है। और ये इतना टाइम लव जिहाद के बारे में बात करते हैं कि अगर तुम मुसलमान बचाओगी तो अभी भी तुम अच्छी हो। तो सुना आपने किस तरह से रश्मि नाम की मॉडल कह रही है कि इस्लाम धर्म को कबूलने का दबाव इसका पति आसिफ इस पर लगातार बना रहा है। मारपीट भी इसने इसके साथ की है, अपने चोट भी इस मॉडल ने दिखाए हैं। साथ ही कहा है कि मेरे मासूम बच्चे को भी वो बहला फुसला रहा है। तो सुना आपने इस महिला को कि किस तरह से रश्मि नाम की ये मॉडल सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि इसे बार बार इस्लाम धर्म को कबूलने की धमकी दी जा रही है। इसके पति की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हें इस्लाम धर्म कबूलना पड़ेगा और अगर तुम ये कबूलती हो तो तुम अच्छी हो। ये भी कहा कि वो उसके बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी माँ मुस्लिम नहीं है और अगर तुम मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाती, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करती हो तो तुम शैतान हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खुद रश्मि नाम की ये मॉडल कर रही है और अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये चोट के निशान भी उसने दिखाए कि किस तरह से उसके साथ मारपीट भी यहाँ पर की गई है।
तो मारपीट भी यहां पर इसके पति के जरिए की गई है, यह आरोप रश्मि लगा रही है। अपने चोट के निशान दिखाते हुए बताया कि किस तरह से उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। आसिफ इसके पति का नाम बताया जा रहा है और सीधे तौर पर कह रही है कि उसे उसका बच्चा चाहिए। देखिए, मारपीट के निशान भी यहां पर सामने, हालांकि बताया जा रहा है कि इलाज भी अब रश्मि का जारी यहां पर है। तो जिस तरह से मुंबई से मॉडल नाम के इस रश्मि का सनसनीखेज आरोप उसके खुद के पति आसिफ पर लगा है, उसके बाद कई बड़े सवाल यहां पर लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से खड़े हो गए हैं कि वाकई क्या लव जिहाद, जिसे लेकर लंबे वक्त से बहस चलती आ रही है, कानूनी प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है, आखिर इसका वजूद है क्या? और जी हिंदुस्तान यहां पर कुछ सवाल जरूर इस खबर के साथ उठाता है जिनके जवाब सामने आने बेहद जरूरी है। क्या वाकई मुंबई मॉडल रश्मि के साथ लव जिहाद हुआ है? लव जिहाद हकीकत नहीं तो बार बार ऐसे मामले क्यों आते हैं? लव जिहाद की समस्या को मानने में आखिर दिक्कत कहां पर आती है? देश की महिलाएं आखिर कब तक यही सब भुगतेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर जी हिंदुस्तान पूछ रहा है। और लव जिहाद को संगठित तरीके से क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? जिस तरह से मुंबई मॉडल रश्मि के साथ लव जिहाद का यह मामला सामने आया, उसके बाद ये तमाम बड़े सवाल जी हिंदुस्तान खड़े कर रहा है। हमारे संवाददाता वसीम ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। वसीम, अब यह मामला कहां तक पहुंचा है? क्या पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? इसके पति आसिफ से किसी तरह की कोई बातचीत हो पा रही है? तो पुलिस किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं की है, कि ये जो पूरा मामला है एक संगीन मामला है, जिसे देखते हुए पुलिस हर कदम सोच समझ के रख रही है। जिस तरह से अगर प्राथमिकता की बात करें तो महिला की शिकायत के बाद उन्होंने मारपीट का मामला जरूर दर्ज किया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से लगातार जो आरोप लग रहे हैं महिला की तरफ से, इसे लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की पुलिस सुनना चाहती है कि क्या है पूरा मामला। जिस तरह से ये भी आरोप लगाया गया है कि दूसरी शादी हुई है, तो दूसरी शादी लेकर किस तरह से आगे की कार्रवाई हुई थी उसे भी ध्यान में रख रहा है। कई ऐसे पहलू है जिन्हें पुलिस तलाश रही है, उस तलाशी के बाद आगे की कार्रवाई जरूर कर सकती है। लेकिन फिलहाल आसिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और लगातार जिस तरह से महिला अपने जो आरोप है वो लगातार लगा रही है, उससे पीछे नहीं हट रही। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लव और जिहाद का मामला है। साफ तौर पर जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए आसिफ ने उन्हें मजबूर किया, इसे लेकर उनकी लड़ाई शुरू हुई। और जो दूसरी शादी की गई उसमें भी इसी तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। तो ये दोनों मामलों को में कितनी सच्चाई है ये तलाश रही है पुलिस। और फिलहाल महिला से बातचीत हमने जब की तो अभी कुछ देर पहले तो वो अस्पताल में थी। उनका कहना है कि उनके जो पति हैं उनसे मारपीट लगातार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई चोटें भी आए हैं। उसी चोट के इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंची। और आगे कई ऐसे पहलू है जो सामने खुल सकते हैं इस पूरे मामले में। वसीम, नजर बनाए रखेगा इस पूरी खबर पर। तो वसीम हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस मामले को लेकर अभी कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। पति पर सनसनीखेज आरोप भले ही रश्मि ने लगाए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। इलाज यहां पर रश्मि का जारी है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपनी चोट को दिखाते हुए मॉडल रश्मि बता रही हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल धमकी देने का यह मामला सामने आता है, जान से मारने की जिस तरह की धमकी यहां पर दी गई है। धर्म परिवर्तन का यह पूरा मामला यहां पर सामने नजर आ रहा है। और क्या वाकई लव जिहाद का अस्तित्व है? और अगर है तो इसे मान लेने में दिक्कत क्या हो रही है? और देश की महिलाएं कब तक आखिर यूं ही धर्म परिवर्तन का दबाव झेलती रहेंगी, लव जिहाद के चंगुल में आकर फंसती रहेंगी? ये बड़े सवाल यहां पर जी हिंदुस्तान जरूर पूछ रहा है, जिनके जवाब सामने आने बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो क्या वाकई आसिफ रश्मि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ा रहा था, जैसा कि रश्मि रोते बिलखते अपनी आप बीती बता रही थी? तमाम बड़े सवाल यहां पर जरूर खड़े होते हैं।